दोस्तों जब भी आप विदेश जाते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक फ़्लाइट टिकट की, और ये फ़्लाइट टिकट आप परचेज़ करते हो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से, जहाँ पर उनके चार्जेस होते हैं आपके टिकट के अलावा उनके जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो 200 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये तक। कितना अच्छा होता दोस्तों ये फ़्लाइट टिकट आप अपने घर बैठे अपने PC से या फिर मोबाइल से बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ क्लिक्स करने हैं, 2 मिनट का काम है, आपकी फ़्लाइट टिकट आपके हाथ में आ जाती है। सबसे सस्ती फ़्लाइट टिकट का सिलेक्शन कैसे होता है, फ़्लाइट टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने PC से, इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फ़्लाइट टिकट को बुक करने के लिए हमें चलना होता है ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ पर हम फ़्लाइट टिकट को सर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं सबसे सस्ती और सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस किसके हैं, वो रिफंडेबल है या फिर नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए उस केस में आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले PC की स्क्रीन पर, उसके बाद में यही प्रोसेस सेम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी मोबाइल से भी बुक करके दिखा देता हूँ कि फ़्लाइट की टिकट आपको किस तरीके से बुक करनी है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं अपनी PC की स्क्रीन पर, यहाँ पर बिना देरी के आपको मैं लेके चलता हूँ गूगल के सर्च इंजन की तरफ। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट cleartrip.com की तरफ आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे सस्ती फ़्लाइट हमें कहाँ पर मिलने वाली है। पहली वेबसाइट हम जो देख पा रहे हैं इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होता है, और यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं तो फ़्लाइट को, तो हम फ़्लाइट के ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको होटल या फिर ट्रेन कुछ भी चाहिए आप इस वेबसाइट से उसको भी सर्च कर सकते हो। फिलहाल हम फ़्लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और वैसे भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर वन वे राउंड ट्रिप मल्टी सिटी, आपको किस तरीके की फ़्लाइट सर्च करनी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने वन वे ही इसको रहने देता हूँ। और फ्रॉम कहाँ से, न्यू दिल्ली अगर आपको सर्च करना तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। टू आपको कहाँ जाना, अगर आपको दुबई जाना है तो दुबई यहाँ पर फीड कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्चर डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ 10 जुलाई 2020। एडल्ट्स कितने लोग ट्रैवल करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, चिल्ड्रन इन्फेंट में यहाँ से हम डाल सकते हैं। उसके बाद सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगला पेज हमारे सामने जो ओपन होता है इसके लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं फ़िल्टर, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं फ़िल्टर के, हमें फ़्लाइट कहाँ से चाहिए वो हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अबू धाबी के हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, शारजा की भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ दुबई की, जो कि 16 फ़्लाइट्स यहाँ पर शो कर रहा है। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो फ़्लाइट्स हैं ना वो शो कर रही हैं जो कि हैं दुबई जाने वाली, लेकिन यहाँ पर स्टॉप के साथ शो कर रही हैं। अगला फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर नॉन स्टॉप का। जैसे ही हम नॉन स्टॉप का फ़िल्टर यूज़ करते हैं हमारे सामने जा सारी ही फ़्लाइटें शो कर रहा है, वो सारी की सारी नॉन स्टॉप फ़्लाइट्स होती हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं सबसे सस्ती फ़्लाइट, डजेंट मैटर कोई भी एयरलाइन से हो, तो हम देखते हैं इमिरेट्स की फ़्लाइट 14,777, उसके बाद इंडिगो 11,000 और 8,000, स्पाइस जेट 8,340। सबसे सस्ती ये दो फ़्लाइट्स हैं जो कि दिल्ली से डायरेक्ट दुबई जा रही नॉन स्टॉप, 3 ओवर 50 मिनट इसका जो टाइमिंग है। उसके अलावा कितने बजे, सुबह 7:50 पर ये जाने वाली, आप यहाँ पर टाइम कंपेयर कर सकते हैं, आप अराइवल डेट वहाँ पर कितने बजे पहुँच रही वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों अगर आप फ़्लाइट डिटेल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि स्पाइस जेट फ़्लाइट है, ये हमारे फ़्लाइट का नंबर है, इकोनॉमिक क्लास है, उसके बाद किस डेट में ये जा रही है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3:50 ये लेगी। उसके अलावा फ्राइडे 10 जुलाई 2020 को ये 10:10 पर पहुंच जाएगी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1। उसके अलावा दोस्तों चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज की जो भी डिटेल है वो यहाँ पर नो मोर के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, और इसके ऊपर देखने के बाद हमें मिलता है चेक इन बैगेज अलाउंस 20 kg। और अगर आप यानी आप दूसरी और भी कैटेगरी देख सकते हैं कि अगर आप जा रहे हैं टू मस्कट, कोलंबो, दुबई, हांगकांग, जेड्डा, रियाद, तो आपका फ्री चेक इन बैगेज होता है 30 kg। तो फिलहाल हम दुबई ही जा रहे थे इसीलिए हमें 30 kg बैगेज जो है वो अलाउंस में मिल जाता है, प्लस 7 kg हम अपने हैंडबैग के तौर पर भी लेके जा सकते हैं। सारी ही इन्फॉर्मेशन पढ़ लेने के बाद आपको करना है यहाँ पर बुक के ऊपर क्लिक। अगले पेज पर दोस्तों हमारी फ़्लाइट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसके अंदर हम सारी ही डिटेल फ़्लाइट के देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों चेक इन बैगेज में जो बैगेज था उसके अलावा अगर हमें ऐड करना है तो ऐड बैगेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर 5 kg 10 kg को ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ।
अगले ऑप्शन में दोस्तों हमें मील्स, अगर हमें कोई भी खाना चाहिए वहाँ पर फ़्लाइट के अंदर तो हम यहाँ से उस खाने को ऐड कर सकते हैं। प्राइस आप इसके सामने देख रहे हैं, ये आपके फेयर में ऐड हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको भी कट कर देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई सीट सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको विंडो सीट पसंद है, मिडिल सीट, कोई भी सीट अगर आपको पसंद है ना, तो आपको यहाँ पर पूरी फ़्लाइट की जो लोकेशन है वो शो कर रहा है। यहाँ पर आप कोई भी सीट का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो कलर वाइज कोड दिए हुए हैं इसके अंदर आपको हर सीट का प्राइस भी देखने को मिलता है कि अगर आप कोई भी सीट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको इतने ज़्यादा चार्जेस भी एक्स्ट्रा देने होंगे। फ़िलहाल मुझे कोई भी सीट चलेगी, इसके लिए मैं इसको भी कट कर देता हूँ। अब अगले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा चेकबुक देख रहा है, सिक्योर योर ट्रिप विद ICIC लैम्बोर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस। अगर आपको एक इंश्योरेंस चाहिए जिसके अंदर दोस्तों हमें फैसिलिटी मिलती हैं ये सारी, मेडिकल इमरजेंसी $50,000, लॉस्ट ऑफ पासपोर्ट $200, इमरजेंसी कैश, बैगेज लॉसेस, ये चार फैसिलिटी हमको देखने को मिलती हैं मात्र 75 पर पैसेंजर, सिर्फ 75 रुपीज़ में। अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आपका 75 रुपीज़ आपके अकाउंट में, आपके टिकट के फेयर में ऐड हो जाएगा। फिलहाल मुझे ये भी इंश्योरेंस नहीं चाहिए क्योंकि ये इंश्योरेंस सिर्फ हमारी ट्रैवल हिस्ट्री तक ही वैलिड होता है, उसके बाद ये इंश्योरेंस भी किसी काम का नहीं, कोई भी काम नहीं करता है। उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर करते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको रीड प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमें डालना होता है इनका कूपन कोड जिसके साथ हमें मिल सकता है कुछ डिस्काउंट। अब वो कूपन कोड आपको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा इनकी वेबसाइट के ऊपर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने से पहले दोस्तों आप अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे 8,340, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखते हैं कितना डिस्काउंट हमें मिलने वाला है। अब दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर हमने 250 हमने सेव कर ली और 8,340 से 8,090 सिर्फ रह गया, हमें 250 का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल गया। अब इसके अलावा दोस्तों इस ऑप्शन में अगर आपके पास कुछ पॉइंट हैं, यानी इस टिकट को बुक करने के लिए हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे, इसी तरीके के अगर कुछ भी पॉइंट हैं आप उसको रिडीम कर सकते हो। यहाँ पर उसकी डिटेल भी फीड करके यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हो। मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है फ़िलहाल, मैं करता हूँ कंटिन्यू बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक और यहाँ पर मुझसे पूछी जाती है मेरी ईमेल आईडी, जो कि मैंने अपनी ईमेल आईडी फीड कर दी। मेरी टिकट इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। फ़िलहाल मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो भी डिटेल है ना, वो सारी ही डिटेल हमें वही डालनी है जो हमारे पासपोर्ट में शो कर रहा है। दोस्तों मैंने रैंडमली एक डिटेल यहाँ पर भर दी है आपको दिखाने के लिए। उसके अलावा दोस्तों मोबाइल नंबर में आपका जो भी मोबाइल है वो मोबाइल नंबर प्रॉपर डालने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे छोटा सा बॉक्स जो कि है GST, इसके ऊपर अगर क्लिक करके अगर आपका कोई भी GST नंबर है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल भी फिल कर सकते हो। दरअसल ये होता है किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए जो कि GST नंबर वगैरह होते हैं जिनके पास, और इनका एक प्रोफेशनल काम होता है। पर्सनली के लिए हम ये GST का ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंपली हमें क्लिक कर देना कंटिन्यू के ऊपर। दोस्तों अगले ऑप्शन में हमसे हमारी पेमेंट डिटेल के बारे में पूछा जाता है कि आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम इसके ऑप्शन देख रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI। आप यहाँ पर कुछ सी का भी सिलेक्शन कर लीजिए। फिलहाल मैं सिलेक्ट कर लूँ डेबिट कार्ड को और यहाँ पर हमें हमारा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर, कार्ड होल्डर नेम और CVV जो कि लास्ट के तीन नंबर कार्ड के पीछे तीन नंबर शो करता है वो हमें यहाँ पर फीड करने हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी एक चेक मार्क लगा हुआ, अगर ये नहीं है तो आपको ये चेक मार्क लगा देना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8,830 जो कि 8,090 ओनली थे, तो इसमें आपका 600-700 जो एक्स्ट्रा आप देख पा रहे होंगे वो होते हैं वेबसाइट के चार्जेस। और ये चार्जेस भी हमें किसी भी ट्रेवल एजेंसी को नहीं देने, ना ही हमें किसी एयरलाइंस को देने, ये वेबसाइट डायरेक्ट ही हैंडल करते हैं ये सब के चार्जेस को। फिलहाल दोस्तों आपको अपने कार्ड की डिटेल भरने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपकी बैंक की तरफ से एक OTP आएगा। OTP भर देने के बाद आपकी पेमेंट की प्रोसेसिंग पूरी होती है और उसके बाद में आपकी टिकट आपकी स्क्रीन पर शो करने लगती है और कुछ ही देर में यानी विद इन 1 आवर आपकी वो टिकट आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दी जाती है, जिसको आप प्रिंट कर सकते हो या फिर अपने मोबाइल में भी उसको रख सकते हो और जब भी उसको ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ भी आप कर सकते हो।
अब दोस्तों समझ लेते हैं कि यही प्रोसेस अगर हम मोबाइल से अपना करना चाहें या फिर मोबाइल से अपनी टिकट को बुक करना चाहें वो किस तरीके से होगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको मोबाइल के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जिससे मैं आपको प्रोसेस दिखा सकूँ किस तरीके से आपको मोबाइल से टिकट बुक करनी है। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने प्ले स्टोर के ऊपर। इसके ऊपर भी हम सेम ही वेबसाइट का नाम लिखते हैं जो कि हम सबसे पहले ऑप्शन को यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल करनी है। ऑलरेडी मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ओपन के ऊपर। और यहाँ पर भी दोस्तों आप सबसे नीचे की तरफ फ़्लाइट, होटल, एक्टिविटी, ट्रेन इस तरीके का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। और ऑलरेडी फ़्लाइट का ऑप्शन है ना, वो सेलेक्ट है। आपको यहाँ पर किस तरीके की फ़्लाइट चाहिए, वन वे, राउंड ट्रिप या फिर मल्टी सिटी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने वन वे प्लस DXB आपको दुबई से लेकर न्यू दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली से लेकर दुबई आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और डिपार्चर आपकी डेट कौन सी हो सकती है, इसके लिए जैसे मैंने उस टाइम 10 जुलाई को सिलेक्ट किया था, वन एडल्ट इकोनॉमी क्लास, सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। और अगले ऑप्शन में दोस्तों हमारे सामने सेम वही सारी फ़्लाइट्स यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट को। हम यहाँ पर नीचे के दो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट को फ़िल्टर्स। मुझे शारजा की नहीं चाहिए, अबू धाबी की नहीं चाहिए, दुबई बस स्टेशन से भी नहीं चाहिए और यहाँ से भी मुझको नहीं चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए नॉन स्टॉप, फ्री बैगेज, फ़्लाइट्स ओनली। उसके बाद अगर आपको टाइमिंग वगैरह कुछ देखना है या फिर किसी एयरलाइंस का सिलेक्शन करना, आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़िल्टर अप्लाई होने के बाद दोस्तों आपको जो भी फ़्लाइट चाहिए ना, कितनी सारी फ़्लाइट्स हैं यहाँ पर, सिर्फ वही फ़्लाइट रह गई जो कि मैंने सिलेक्ट की थी। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ स्पाइस जेट 8340, इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों अगले पेज पर दोस्तों हमें इस तरीके के ऑप्शन नज़र आते हैं कि हमारे फ़्लाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऊपर दिखाई दे रही है, बैगेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मोर इन्फॉर्मेशन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके के सारे ही ऑप्शंस जो हम वेबसाइट के ऊपर देख रहे थे वो ही सारे नज़र आते हैं। कूपन कोड में दोस्तों आप सेम वही वेबसाइट से वही सेम कूपन कोड डाल के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ पॉइंट्स हैं तो आप यहाँ पर अपने पॉइंट भी फीड कर सकते हैं। फेयर की इन्फॉर्मेशन आप यहां पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल मैं करता हूं कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर क्लिक। और यहां पर दोस्तों अगर हम अपना ऐड मील्स के ऊपर यानी खाना अगर हमें कोई सिलेक्ट करना है वो यहां पर ऐड कर लेना है। ऐड बैगेज, कुछ बैगेज अगर एक्स्ट्रा रखना है तो वो यहां पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर हमें इंश्योरेंस चाहिए तो 75 पर पैसेंजर हम इंश्योरेंस के ऊपर ये चार फैसिलिटी भी यहाँ से ले सकते हैं। हम देख पा रहे होंगे हमारा जो रेट है अभी भी 8340 ही हैं। उसके बाद हम यहां पर क्लिक करते हैं स्किप दिस ताकि हमें अगला स्टेप मिल सके। अगले स्टेप में दोस्तों हमें सेम वही हमें टाइटल हमें मिस्टर मिसेस या फिर MRS कोई भी यहां पर चूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहां पर हमारी ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ फीड करने के बाद कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अगले ऑप्शन में दोस्तों हमसे पूछी जाती है हमारी पेमेंट डिटेल जो कि हम पहली वेबसाइट पर देख रहे थे कि हमें किस तरीके से अपनी पेमेंट की प्रोसेस को पूरा करना है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अपनी कार्ड की डिटेल अपनी पेमेंट की प्रोसेस को पूरा करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर बैंक की तरफ से भेजा जाता है एक OTP जिसको फीड करने के बाद आपकी टिकट शो करने लगती है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। आप चाहें तो वो टिकट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगले एक घंटे के अंदर विद इन 1 आवर आपको सेम टिकट भेज दी जाती है आपके ईमेल पर भी। तो वो टिकट को चाहें आप प्रिंट करा कर एज ए हार्ड कॉपी अपने साथ ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में भी उसको सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों दोनों ही प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है आपको टिकट बुक करने के लिए आपके घर बैठे, आपको किसी भी एजेंट के या फिर किसी भी ट्रेवल एजेंसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद दोस्तों फ्लाइट टिकट बुक करने के दोनों ही प्रोसेस को आपने अच्छे तरीके समझ लिया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों साथ शेयर कर सकते हैं जो दरअसल विदेश में आना जाना लगा रहता है या फिर वो फ्लाइट टिकट बुक कराते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंसी से, वो डरते हैं कैसे करके होती है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि अगली बार वो फ्लाइट टिकट खुद बुक करें, उनकी कुछ सेविंग हो जाए। आप दबा सकते हैं बेल आइकन को ताकि आगे जो वीडियोस आने वाली हैं, जो सीरीज आने वाली है, उन सब की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।